नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ANM कोर्स करने के लिए तो यहां मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए, खास करके अगर आप रहने वाले हैं पंजाब राज्य के या पंजाब स्टेट के, क्योंकि वहां सरकार ANM कोर्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज कर रही है। लेकिन ये जो चेंज है काफ़ी माइनर है, लेकिन मायने बहुत ज़्यादा करता है हर किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, हर किसी कैटेगरी के मेरे भाई बहन को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं बरतनी है, बेल आइकन भी आपको दबाना है ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ANM की बात कर रहे हैं, खास करके पंजाब राज्य में इस कोर्स को लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअल में ANM करने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि एक तरीके से ये कोर्स ऐसा है, इतना अच्छा मनी मेकिंग कोर्स है ANM, कि इसको करने के बाद बेरोजगार रहने की संभावना बहुत कम होती है। मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारे जॉब हैं अभी फिलहाल और भी निकल रहे हैं, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस हो चाहे वो परमानेंट बेसिस हो, लगातार ये कोर्सेज करने के बाद आपको वैकेंसीज के अवसर मिलते हैं। तो पंजाब में सरकार थोड़ा सा इसमें चेंज कर रही है, वो चेंज ये है इसकी फ़ीस को लेकर के, यानी कि अभी तक देखा जाए तो सरकारी और प्राइवेट दोनों के फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी सारा जो है अंतर होता है। सरकारी में फीस जो है बहुत कम रहती है, प्राइवेट में जो है फीस बहुत ज़्यादा रहती है। यही हाल GNM कोर्स का भी है, या फिर कोई सा भी आप पैरामेडिकल कोर्स देख लें या मेडिकल कोर्स देख लें, सभी जगह यही स्थिति है। तो सरकार चाहती है कि थोड़ी सी फीस इसकी बढ़ा दी जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा रही, माइनर इसमें चेंज किया गया है। इसकी जानकारी आपको इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम लोग हमारी आर्थिक स्थितियों के कारण भी काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज को करने से रह जाते हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जिनको थोड़ा बहुत चेंज भी काफ़ी प्रभावित करता है। फिर भी ये कोर्स चूँकि अच्छा है, ANM में जिसने एडमिशन लेना है वो उसको ले लेना चाहिए। फिलहाल एडमिशन काफ़ी सारे स्टेट्स में चल रहे हैं, गवर्नमेंट में काफ़ी सारी जगह निकल भी चुके हैं और काफ़ी सारी जगह अभी ये एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ANM GNM के एडमिशन पूरे साल चलते रहते हैं। अब चाहे BSc नर्सिंग करें, आप चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग करें, प्राइवेट कॉलेज में इन एडमिशन्स का लगातार फ्लो पूरे साल बना रहता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं पंजाब में ANM में जो फीस में चेंज हुआ है उसके बारे में। तो पंजाब में सरकार चाह रही है कि अब जो सेशन आएगा 2020-21 इसमें फीस ANM की बढ़ा करके 5,000 रुपये से 7,000 की जाए, यानी कि अभी तक आपको ANM करने के लिए केवल 5,000 रुपये देने होते थे पंजाब के स्कूल्स में, यानी कि नर्सिंग स्कूल्स में, अब वो देने होंगे आपको 7,000 रुपये, यानी कुल मिला के सरकार ने केवल 2,000 रुपये बढ़ाए आपकी इस कोर्स की फीस। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ फीस थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ 14,375 रुपये फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, अब सरकार ने इनकी फीस कर दी है 18,000 रुपये, यानी कि अब आप कोर्स करते हैं ANM का तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देने पड़ेंगे 7,000 रुपये और प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस होगी 18,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं GNM कोर्स की। तो GNM में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि सर ये कोर्स बंद हो रहा है क्या? तो यहाँ एक नई चीज़ निकल के आ रही है जिसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो GNM कोर्स की फीस प्राइवेट में देखें तो 40,000 रुपये, चाहे आप BSc नर्सिंग की देखें या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की देखें, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसी भर्तियां निकलती हैं जैसे कि अभी CHO की भर्ती निकली हुई है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी निकली हुई है, तो कहीं GNM कोर्स जिन्होंने किया हुआ है उनको CHO की भर्ती में अलाउ किया हुआ है और कहीं केवल BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग को ही इसमें अलाउ करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफर चीज़ मिलती है हमें। इसलिए बार बार सवाल आता है दिमाग में कि सर GNM कोर्स बंद हो रहा है क्या? तो अभी जो मीटिंग हुई थी पंजाब राज्य में कैबिनेट की, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि हो सकता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल 2021 में GNM कोर्स को बंद कर दे, इसलिए GNM कोर्स की फ़ीस पर विचार नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2020-21 में जिसने एडमिशन ले लिया हो उसकी GNM कोर्स बेकार जाएगा, ऐसा नहीं है। GNM कोर्स भी एक बहुत ही अच्छा मनी मेकिंग कोर्स है, इसको करने के बाद कभी भी आप बेरोजगार नहीं रह सकते अगर आपने सही इंस्टीट्यूट से नॉलेज भी ली है और इसकी डिग्री भी ली है। केवल आपने डिग्री ली है तो आप किकआउट हो सकते हैं, लेकिन आपने नॉलेज लिया इस कोर्स की तो इसमें अच्छी खासी कमाई भी आप कर सकते हैं। इसलिए इस कोर्स को लेकर के काफ़ी सारी वेरिएशन थे, लोगों के विचार अलग अलग थे, कोई कह रहा है ये बंद हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा इंडियन नर्सिंग काउंसिल का विचार है तो हो सकता है कि 2021 में इसे बंद करे और हो सकता है नहीं करे, इसको आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी कुछ अपने आप में कह रही है। वहाँ मानविकी सब्जेक्ट और आपके साइंस सब्जेक्ट ये अलग अलग तरीके से नहीं होंगे, अब आदमी दोनों कोर्स चाहेगा तो कर सकेगा। तो ये थी इस बारे में जानकारी कि फीस स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ है पंजाब स्टेट में ANM को लेकर के। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।